नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। मित्रों, आपने गणेश जी की प्रतिमा और उनके फोटो में हमेशा ही देखा होगा कि उनकी सूंड कभी दाईं और कभी बाईं और घूमी रहती है, और कभी कभी तो एकदम सीधी सूंड वाली प्रतिमा भी देखने को मिल जाती है। मगर आपको अपने घर में किस दिशा में सूंड वाली प्रतिमा रखनी चाहिए और किस दिशा वाली सूंड की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए, क्या आपको मालूम है? अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो वीडियो पूरा जरूर देखें, नहीं तो आप भी कर बैठोगे अपने जीवन में ये बहुत बड़ी गलती। तो दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में भगवान गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय देव हैं। किसी भी मांगलिक कार्य व पूजन के प्रारंभ से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है, और ये तो सभी जानते ही हैं। भगवान श्री गणेश सुख समृद्धि देने वाले देव हैं और उनकी कृपा से ही जीवन में सभी कार्य बिना किसी विघ्न के पूर्ण होते हैं। इसलिए लोग भगवान गणेश की प्रतिमा को घर के मंदिर में विराजमान करते हैं और रोज उनकी सबसे पहले पूजा आराधना करते हैं। आप अपने घर के मंदिर में, अपने ऑफिस में जो गणेश जी रखते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि उस प्रतिमा में गणेश भगवान की सूंड किस दिशा में है? और अगर नहीं सोचा है तो आपको ये जानना बेहद ही जरूरी है कि घर के मंदिर में आप जो गणेश भगवान की मूर्ति या प्रतिमा रखते हैं, या अपने दफ्तर में जो गणेश जी की प्रतिमा रखते हैं, उनकी सूंड की दिशा किस तरह होनी चाहिए, तो आपको बताते हैं। वीडियो में पूरे जरूर बने रहिए, ये गुप्त जानकारी हर कोई नहीं बताता है। जी, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। मित्रों, भगवान श्री गणेश की विधिवत पूजा करने से सभी विघ्न दूर होते हैं। तो जब भी गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की बात आती है तो ऐसे में आप हमेशा ही इस दुविधा में रहते हैं कि गणेश जी की सूंड किस दिशा में मुड़ी होनी चाहिए। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि घर पर किस दिशा में सूंड वाली गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। तो मित्रों, घर में जब भी गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि गणेश जी की सूंड बाएं हाथ की ओर हो। अब कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि क्या फर्क पड़ता है किसी भी तरफ हो, मगर आपको बता दें कि मान्यता है कि ऐसी मूर्ति से घर में सकारात्मकता बनी रहती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आप अपने घर या ऑफिस में गणेश जी की बाईं और वाली सूंड वाली प्रतिमा ही रखें, और साथ ही आप घर में सीधी सूंड वाली गणेश जी की मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि मित्रों, ऐसी मूर्ति से घर का माहौल खुशनुमा बना रहता है और सुख शांति रहती है। मगर आपको कभी भी भूल से भी घर के मंदिर में या अपने ऑफिस में कभी भी गणेश जी की दाएं हाथ या सीधे हाथ पे सूंड वाली मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर पर दाएं हाथ की ओर सूंड वाले गणेश जी की मूर्ति स्थापित करने से बचना चाहिए, क्योंकि दाएं हाथ की तरफ सूंड वाले गणेश जी का स्वभाव हठी होता है। ऐसे में इनकी पूजा पाठ करना भी आसान नहीं होता। कहते हैं ऐसे गणेश जी पूजा तंत्र विधि से होती है जो आसानी से सफल नहीं हो पाती, और ऐसे गणेश जी की पूजा का लाभ भी आपको जीवन में देर से मिलता है। गणेश जी की दाईं हाथ की सूंड वाली प्रतिमा का प्रयोग दुश्मन पर विजय प्राप्त करने और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए किया जाता है। तो हमेशा ही आपको घर में बाईं और घूमी हुई सूंड वाली गणेश जी की प्रतिमा अपने घर या ऑफिस में स्थापित करनी चाहिए, क्योंकि बाईं हाथ पे गणेश जी की सूंड वाली प्रतिमा सबसे शुभ मानी जाती है। ऐसी प्रतिमा को आपको अपने घर के मंदिर में स्थापित करके उसकी रोज पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि ये प्रतिमा घर में स्थापित करने से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है, और इससे व्यापार में वृद्धि मिलती है। साथ ही जीवन में संतान का सुख मिलता है, और इससे आपके परिवार में खुशहाली का माहौल बना रहता है।
और अगर आपके घर में सीधी सूंड वाली प्रतिमा भी है तो सीधी सूंड वाले गणेश जी की प्रतिमा बहुत ही दुर्लभ होती है। ये आपको जल्द ही और हर जगह देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि सीधी सूंड वाले गणेश जी की प्रतिमा रिद्धि सिद्धि कुंडलिनी जागरण और इस मोह माया से विरक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए की जाती है। इसलिए यह प्रतिमा हमेशा वैरागी या साधु संत ही स्थापित करते हैं। जय श्री गणेश। अगर ये जानकारी आपको समझ आई हो तो इस वीडियो को अपने प्रियजनों तक जरूर शेयर करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाएं। और साथ ही ऐसी ही पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। हर हर महादेव।